अफशां है, मेरे हस्बैंड का नाम मोहम्मद जमील है, मेरे को कॉल्स करके डरा के धमका के ले जाकर शादी करे, ऑलरेडी उन्होंने शादीशुदा है, दो बच्चियां हैं उनको, उनकी वाइफ है, छोड़ दे तो उनको बोल के मेरे से शादी करे। 20 दिन अच्छा थे मेरे के साथ, उसके बाद मेरे को प्रेगनेंसी ठहरी तो ले जाके अबॉर्शन करा दिए, तलाक दे दे तो मैं तो माफ़ नहीं कराए तो बोल के टॉर्चर करे, बहुत अबॉर्शन कराए, सही भी नहीं कराए, फिर मेरे पे अटैक करा के घर को भेजे, मेरे को PS में पेपर लिख के 20 दिन के बाद घर देख कर ले जाता हूँ बोल के, अभी तक नहीं लेके गए। मादनापेट PS में ये मेरे हस्बैंड है, मादनापेट PS में मैं 1 महीने से फिर मेरी कंप्लेन ही नहीं ले रहे, मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी उन्होंने, उनके घर वाले छोड़ दो बोल के मेरे साथ अटैक करा के मेरे को घर को भेजने लगा पूरी प्लानिंग से। बस मेरे को इंसाफ दिलाइए, मेरा साथ दीजिए, मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी उन्होंने, दो दो बार अबॉर्शन हो गया मेरा, मेरा केस कहीं भी नहीं ले रहे, ये मेरे हस्बैंड है। मैं संतोष नगर विकास हाई स्कूल के पास रहती हूँ, मेरी 45 एज है, मेरे साथ ऐसा करे उन्होंने मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दिए। तेलंगाना हुकूमत से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ इंसाफ करिए और मेरी मदद कीजिए। पुलिस डिपार्टमेंट से मेरी उम्मीद है कि मेरे साथ इंसाफ करेंगे, मेरा साथ देंगे।